हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो टाइम हो चुका है भाई, 12 बज चुके हैं पूरे रात के, और आज हम सुबह 10 बजे तक, लगभग 10 बजे तक गाड़ी चलाने वाले हैं। देखते हैं कितने बजे तक चल पाती है। तो रात रात में देखते हैं कितने रुपए की अर्निंग होती है 12 बजे से सुबह तक। ओला उबर दोनों में चलाऊँगा मैं आज, और टाइम लगभग हो चुका है 12:02। और इस टाइम में वसुंधरा में, अभी मैंने CNG फुल कराई है। ये मैंने जीरो कर लिया मीटर, और अभी CNG फुल कराई है। तो देखते हैं कितने रुपए की अर्निंग हो पाती है, और कितने रुपए के CNG फूकती है हमारी, और कितने रुपए का खर्चा आता है। तो सारी जानकारी दूंगा मैं इसी वीडियो में कि कितने रुपए का बिल आया कस्टमर का, और कितने रुपए कटपिट के हमें बचे। ठीक है, और करते हैं हम वेट अब बुकिंग का, कि कौन सी में पहले आती है, ओला में आती है पहले बुकिंग या उबर में आती है। तो टाइम हो चुका है 12:25, और अभी ओला में बुकिंग आई है साहिबाबाद से विजयनगर की, गाजियाबाद की। अब जा रहा हूँ कस्टमर को लेने, 5 मिनट का टाइम दिखा रहा है, 2 किलोमीटर की दूरी है। तो कस्टमर को कर दिया है विजयनगर में ड्रॉप, और टाइम हो चुका है 12:50। कस्टमर का बिल बना था 240 रुपये, और हमें मिले हैं 172 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग और कहाँ से मिलती है। तो इधर से बुकिंग मिलने के चांसेस थोड़े कम हैं, तो यहीं पास में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है, उधर चलता हूँ। हो सकता है वहाँ से अच्छी बुकिंग मिल जाए कोई लंबी सी। तो टाइम हो चुका है 1:43, और यहाँ पे भी कोई ड्यूटी नहीं है भाई, शांति है, बिल्कुल सुख शांति पड़ी है यहाँ पे। चलते हैं फिर, लोकेशन चेंज करते हैं, यहाँ से चलते हैं क्रॉसिंग की तरफ, वहाँ से हो सकता है एयरपोर्ट की बुकिंग मिल जाए। यहाँ से एक बुकिंग मिली भी थी, लेकिन 1 मिनट के अंदर वो कैंसिल हो गई थी, कस्टमर ने कर दी तुरंत कैंसिल। तो थोड़ा अपनी गाड़ी होने देते हैं, हीट टेम्परेचर ऊपर होने देते हैं, क्योंकि अभी इंजन हुआ है गाड़ी का। तो ठंडी गाड़ी वैसे भी नहीं चलानी चाहिए, चाहे नई हो या पुरानी हो, क्योंकि ठंड का मौसम है भाई, जो रिंग होते हैं ना वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं ठंड में, और आप लेके चलोगे ना इन्हें एकदम जोर पड़ेंगे इस पे, तो भाई नुकसान हो सकता है इंजन के अंदर। तो ध्यान रखे भाई, ठंड पड़ रही है, तो जब तक सुई ऊपर ना जाए ना टेम्परेचर की, जब तक लेके गाड़ी को ना चले और ना ही रेस दे, अपना स्लो पे ही टेम्परेचर होने दो उसका, उसके बाद चलते हैं। ये नहीं भाई, देखो ओला एंड उबर दोनों ऑन है। ओला में एक बुकिंग हुई है, उबर में एक भी नहीं है अभी। तो अभी एक बुकिंग आई है ABS कॉलेज से, पिकअप लोकेशन 4 मिनट की दूरी है, और ये ग्रेटर नोएडा की है पता नहीं कुछ, या तो कुछ नई सी लोकेशन है। तो कस्टमर को कर दिया यहाँ पे ड्रॉप, कस्टमर का बिल बना था 286 रुपीज़, और ओला ने हमें दिए हैं 212 रुपये, 286 में से 212 रुपये दिए हैं भाई। ये एरिया है सुमसाम सा, यहाँ पहली बार आया हूँ मैं। हाँ तो खैर सरकारी एरिया है, लेकिन रास्ता इसका ऐसा था जंगलों में जा रहे हो जैसे। तो ग्रेटर नोएडा में ये चीज़ जो ना ध्यान रखने वाली है, कि भाई सुमसाम रास्ते बहुत हैं, और कस्टमर का कुछ पता नहीं होता कौन कैसा है कैसा नहीं रात के टाइम में। तो चलो कोई नहीं, अब यहाँ से जो ना ग्रेटर नोएडा जो मेन है, बीटा 1 गामा 1, ये स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी दूर चल के,
मतलब 2-3 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एरिया, आप उधर की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग। तो गाड़ी चल चुकी है हमारी 50 किलोमीटर और अर्निंग देख लो भाई 385 रुपये। तो टाइम हो चुका है 3:23 और अभी तक कोई राइड नहीं आई है, इधर उधर घूम भी लिया हूँ थोड़ा सा भाई। ग्रेटर नोएडा आया है, अब मिलेगी तो एयरपोर्ट की मिलेगी सीधी, जहाँ तक भी आइडिया है। अब देखते हैं थोड़ा इधर उधर सोसाइटी की तरफ, क्योंकि इधर भी सोसाइटी है, VIP सोसाइटी है यार, यहाँ पे भी नहीं बज रही। तो थोड़ा लोकेशन चेंज करता हूँ, वहाँ वेट करता हूँ, अगर मिलती है तो फिर आपको बताता हूँ। पूरा रोड सुनसान पड़ा है भाई, बिल्कुल सुनसान, कोई बंदा नहीं दिख रहा। तो अब तो ये बुकिंग आ नहीं रही, अब थोड़ी देर बाद आने लग जाएगी नींद, क्योंकि मैं सोया भी नहीं, और जब बुकिंग का टाइम होगा जब आएगी नींद, ठीक है। अब वेट करता हूँ भाई 10-5 मिनट और कोई बिल्डिंग के पास लगाता हूँ अच्छी सी, जहाँ से चांसेस ज़्यादा हों एयरपोर्ट की बुकिंग मिलने के, वहाँ पे लगा के अपना साइड में लगा के, और थोड़ा हीटर भी चला रखा है, थोड़ी हीट भी हो जाएगी गाड़ी अंदर से। तो उसके बाद भाई पीछे को लेट जाना आराम से सोने के लिए, बुकिंग आएगी तो उठ जाएंगे, नहीं आएगी तो भाई सोते रहेंगे आराम से, क्योंकि क्या फ़ायदा भाई नींद ख़राब करके, जब आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आनी होगी। भैया टाइम हो चुका है 5:29, 5:30 बज चुके हैं, कोई ड्यूटी नहीं है ना ओला में ना उबर में, ना ही ठीक तरीके से सोए हैं और ना ठीक तरीके से जागे हैं। कम्बल भी गाड़ी की डिग्गी में रखा भाई, कम्बल भी इसलिए नहीं लिया मैं क्या भाई बुकिंग आ जाएगी, क्या फ़ायदा कम्बल वम्बल ला गए सोने से, बुकिंग आने वाली होगी भाई एयरपोर्ट की, उसे लेके चलेंगे, है ना, तो एयरपोर्ट की वजह ना कोई लोकल फोकल वजह। और इधर खड़ी है भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6 गाड़ियाँ हैं, जैसे जब मैं आया था यहाँ पे 3:30 के करीब, ये बेचारी जब से खड़ी है, अरे जब से ही मैं खड़ा हूँ, ना तो ये हिली डुली ना मैं हिला डुला इधर उधर, ये बुकिंग ही नहीं है। यहाँ से बुकिंग एयरपोर्ट की मिलती है ज़्यादातर सैटरडे संडे में, या मंडे हो भाई, तो उस दिन ज़्यादा मिलती है। तो आज तो काम हो नहीं पाया भाई, 385 रुपये का हो रहा है। गाड़ी चल चुकी है 55 किलोमीटर, अब इसमें आदमी क्या खा ले यार, क्या कमा ले, बड़ा बुरा हाल कर रखा यार। ये देखो दिल्ली नंबर ही है तीनों गाड़ी, ये भी पीछे जो खड़ी, ये भी और ये भी, ये 4 नंबर है, अगली भी 4 है, उससे अगली DL नंबर है। अब ये बेचारे इसी उसमें खड़े थे रात से कि कोई एयरपोर्ट की बुकिंग मिलेगी तो अपना निकल जाएंगे दिल्ली की तरफ। अब यहाँ तो एयरपोर्ट की तो छोड़ो, कोई लोकल भी नहीं बज रही, रोड़ों पे देखो क्या छाया पड़ा भाई, कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं, गाड़ी साड़ी कोई दिखाई नहीं दे रही है। कोई नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे भाई, बुकिंग लेके रहेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा इधर उधर को, ताकि हमें बुकिंग मिल जाए कहीं ना कहीं की, तो क्योंकि इसका भी एक सीन होता है ओला उबर का भी, इन्हें जो गाड़ी
रात के टाइम या दिन के टाइम अगर तुम खड़े हो ना एक जगह कहीं ना कहीं और आप मूव ना कर रहे हो, मतलब इधर उधर नहीं हिल रही आपकी लोकेशन, तो ये बुकिंग देता नहीं, सुलाई देता है फिर। तो गाड़ी थोड़ी बहुत मूव कर लो इधर उधर, हो सकता है बुकिंग आ जा, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बुकिंग आने के। 5:47 हो चुके हैं और इस टाइम खड़ा हूँ मैं जेपी ग्रीन्स, यहाँ से भाई जेपी रिजॉर्ट भी है, यहाँ से मिलती है एयरपोर्ट की रेलवे स्टेशन की बुकिंग, लेकिन यहाँ पे भी नहीं मिल रही है, तो अब सहारा लेना पड़ेगा हमें किसका, रैपिडो और खोलनी पड़ेगी भैया, रैपिडो और खोल लें, देखते हैं उसमें भी मिल जाए, हो सके तुक्का लग जाए। तो टाइम हो चुका है 6:07 और मेरे पास ऊबर में आई है एक छोटी सी बुकिंग 190 रुपीज़ की, 190 रुपये दिखा रहा था, पता नहीं कितने देगा ये, तो यहीं की है पास की, तो अब जा रहा हूँ लोकेशन पे कस्टमर को पिकअप करने, ऑलरेडी पहुँच गया हूँ। तो कस्टमर को कर दिया मैंने ड्रॉप, 182 रुपीज़ मिले हैं, कस्टमर का बिल आया था 260 रुपये, ठीक है। और अब देखते हैं हम इसके बारे में, ₹182.24 लग गई और 19.6 किलोमीटर चली गाड़ी, यार ये 10 रुपये किलोमीटर भी नहीं देता ऊबर। ₹133 दिखा रहा है, 133 में भी से 110 रुपये देगा ये, देखते हैं, चलो चलते हैं पिकअप की तरफ। और 6:00 हो चुकी है 36 मिनट और अभी दिन निकला नहीं है। तो भैया कस्टमर को कर दिया ड्रॉप और कस्टमर का ऑनलाइन पेमेंट था, हमें मिले 138 रुपये, लगभग 12 किलोमीटर इसमें गाड़ी चली है। और मैडम यार बड़ी तेज थी, बड़ी तेज मैडम थी यार, बड़ी तेज लड़की थी, चपड़े 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 चपड़े, सुबह सुबह यार कौन बोलता है इतना। अब भी नाम पूछ के गई, तुम्हारा नाम सुहेल है, सुहेब है, मैं सुहेब है, मैं यार अब फालतू बातें करता ही नहीं, जो सवाल पूछा सिर्फ उसका जवाब, आगे पीछे कुछ नहीं, और लड़कियों से तो खास कर कोई भाई बंदा है लड़का है ठीक है कोई बात नहीं, बता लो अपना आपस में दुख भरी कहानी सुना दो। अब लड़कियों को क्या दुख भरी कहानी सुनावे भाई अपनी, जितना ये जवाब मांगते हैं ना बस उतना ही देता हूँ मैं, जितना सवाल कर दिया। तो अब हम चलते हैं इधर, यहाँ तो आ गया जमुना, बर्ड सेंचुरी से आगे आ गया, आ जाती है जमुना, यमुना नदी। तो ओला भी कर लेते हैं ऑन, क्योंकि अभी ऊबर में लेके आया था ना मैं, और चलते हैं इधर को बोटेनिकल गार्डन की तरफ को। यार गाड़ी जो ना रात के टाइम में खाली बहुत चलती है, अगर बुकिंग मिलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुकिंग को सर्च करने में यार आजकल बहुत चलना पड़ रहा है इधर उधर। तो भैया 7:00 हो चुके हैं 16 मिनट और दिन निकल चुका है, आज तो भाई काम हुआ नहीं रात में सही, क्योंकि ना तो एयरपोर्ट की बुकिंग मिली ना तुम्हारी रेलवे स्टेशन की बुकिंग मिली, क्योंकि इन्हीं बुकिंग ये दो बुकिंग मिल जाती हैं रात में, मिल ही जाती हैं यार, अगर इधर होता मैं नोएडा की तरफ तो मिल ही जाती एयरपोर्ट की या रेलवे स्टेशन की, अब ये नहीं मिली भाई, तो इनमें जो ना अच्छा खासा बिल बन जाता है, तो काम ठीक ठाक हो जाता। अब यार इसने उधर से ABS से फेंक दिया क्रॉसिंग से ग्रेटर नोएडा, और फिर भैया मजबूरी में जाना पड़ा उधर की तरफ, उधर भी मिल जाती है यार हर बार, एयरपोर्ट की मिलती है सीधी,
50-55 किलोमीटर 60 किलोमीटर बैठता लगभग, तो 601 रुपये का बिल मतलब कट पिट के मिल जाते हैं, 600-700 रुपये। अब 600-700 रुपये दोनों ओला उबर में कमी है 12 बजे से अब तक कोई नहीं, देखते हैं अभी दोनों ऑन कर रखे हैं ओला भी उबर भी। अभी अभी आई थी भग्गी कैंसिल, उबर में आई है 97 रुपीज की इंडियन वीआर सेक्टर बराबर। नहीं भैया नहीं, उबर की भी किसी और के पास चली गई है, ओला की भी किसी ओला ने कैंसिल कर दी। तो एक छोटी सी बुकिंग करी है अभी 5-1 किलोमीटर की, सेक्टर 24 था शायद 24 से, और ये फिल्म सिटी की ओला में आई थी और कस्टमर का बिल बना था 108 रुपये और हमें मिले 80 रुपये। ओला ऑन है और उबर भी अब हमारी ऑन है। लो भैया उबर भी ऑन कर लिया। ये रहा है टी सीरीज फिल्म स्टूडियो, टी सीरीज का ऑफिस, टी सीरीज अगर ये मुझे मौका देना एक्टिंग करने का तो भाई मजा ले, कोई फिल्म इनकी फ्लॉप चली जा, सारी हिट, हिट नहीं सुपर डुपर हिट, ऐसी ऐसी फिल्म दूंगा मैं। तो सेक्टर 18 की तरफ से बुकिंग मिली थी यहाँ की जसोला की उबर में, और अभी अभी कस्टमर को कराया ड्रॉप और एक बुक, मैंने घूम लगा दिया था गोविंदपुरम का उधर गाजियाबाद साइड का, क्योंकि मुझे उधर ही निकलना है। तो अभी भी एक बुकिंग आई है सेक्टर 30 की नोएडा की, तो जा रहा हूँ उसे पिकअप करने कस्टमर को। 6 मिनट और 3 किलोमीटर दिखा रहा है, टाइम हो चुका है 8:46। भैया टाइम हो चुका है पूरे 10 बज चुके हैं इस टाइम, ठीक है, और हमारा टाइम हो चुका पूरा। अब हम बात करते हैं अर्निंग की, ठीक है, अर्निंग की बात भी अभी करेंगे, पहले सीएनजी डलवाना है जब भी अच्छा लगेगा ना, क्या खर्चा क्या नहीं, क्योंकि रात मैंने सीएनजी डलवाई थी 12 बजे से पहले, अर्निंग स्टार्ट करने से पहले सीएनजी डलवाई थी, फुल कराई थी, और अब 2 साल चल रहे हैं और गाड़ी चल चुकी है हमारी 156 किलोमीटर, ठीक है, और अब देखते हैं कितने रुपए की गैस आएगी। तो जितने रुपए की भी गैस आएगी उतने रुपए की हमारी सीएनजी फूक चुकी है इस काम में जो आज हुआ है रात रात में, रात से अब तक 10 बजे तक। तो अभी अभी आ रहा था ना मैं इधर से 62 से इधर गोविंदपुरम की तरफ, तो भाई 2 पुलिस वाले मिल गए मुझे कि इधर जा रहा है क्या मेरठ की तरफ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहा पहले छोड़ दूंगा दासने के पास, वहाँ छोड़ दूंगा। अब भैया इन्हें उतारा, कहने लगे क्या रुपये चाहिए भैया, मगर जी 20-20 रुपये निकाल दो, 20-20 रुपये लिए मैंने उनसे। भाई ये थोड़ी ना बकस दे हमें, हम इतनी मजबूरी सुना हुआ यार इन्हें बगस थोड़े ना दे ना भैया, खर्चा पानी चाय पानी दे के जा। तो भैया हमें भी चाय पानी दे के जाओ, हम 40 रुपये में चाय पानी पी लेंगे। सीएनजी की लाइन लग रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 गाड़ी आ गए हैं, ठीक है, सीएनजी भरवा के बताता हूँ आपको कितने रुपए बचे कितने कटे। तो भैया हमारी गैस आई है 497 रुपया की, मतलब लगभग 500 रुपये, 3 कम 500 रुपये की गैस आई है,
और बात कर लेते हैं अर्निंग की, मतलब जो इस काम में फूकी है ना गैस, वो टोटल इतने रुपए की फूकी है। थोड़ा बहुत खाली भी चलाऊं मैं तो वो तो खैर हो जाता एडजस्ट। अब कर लेते हैं अर्निंग के बारे में बात। ओला में हो रहा 634 रुपए का काम, चार बुकिंग है, अगर आपको दिख पाएगा तो, क्योंकि दिन है तो फोकस मुश्किल हो पाएगा। ठीक है, 634 और चार ही बुकिंग कर रखी है ऊबर में। ठीक है, ये हो रहा 613, 634 प्लस 613, 634 प्लस 613 1247 रुपये की टोटल अर्निंग हुई 10 घंटे के अंदर, रात 12 बजे से अब 10 बजे तक, क्योंकि रात बुकिंग पूरी रात मिली नहीं भाई बुकिंग, तो मैं पता क्या हालत थी, कोई एयरपोर्ट की नहीं मिली, कोई रेलवे स्टेशन की बुकिंग नहीं मिली, तो काम बहुत हल्का था रात, वरना काम काफ़ी सही हो जाता। तो 1247 रुपये की आपकी हमारी अर्निंग हुई टोटल, और इसमें से आप सीएनजी काट लेते हैं हम 498 रुपये की। ठीक है, तो हम पे बचे 749 रुपये, लगभग 750 रुपये बचे। तो भाई रात 12 बजे से सुबह 10 बजे तक की आज की अर्निंग हो पाई है 750 रुपये कट पिट के गैस के बचे, जो गैस के काट के जो बचे। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि भाई आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ रही है कि बुकिंग कम आ रही है रात में या दिन में भी काम कम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, तो वो बात भी यार बताओ, उससे भी हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे साथ ही तो नहीं हो रहा। अगर सबके साथ हो रहा तो भाई यहाँ मार्केट डाउन है, अगर हमारे साथ हो रहा तो हम फिर कुछ दिक्कत है भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।